अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि साजिद भाई पंजाब चला गया है, तो इसकी क्या वजह है। एक भाई की मैंने आज वीडियो देखी है कि आप खुद चले जाते उनसे मिलने के लिए, अगर उनके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी जगह होती तो वो हमें फ़ोन करते। अब आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि ये देखें, सितारा सऊदी अरब गई और साजिद पंजाब चला गया, इसकी क्या वजह हो सकती है, ये खुद आप देख लें। अभी आप लोग कहते हैं कि आप लोग गलत हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो, तो फिर हम क्यों ना करें ऐसी बातें। अब खुद देख लो कि ये क्या क्या तरीका, ये कोई तरीका है, ये कौन सा तरीका है, हमें बताओ आप लोग, या इनसे पूछें। चलो बंदा जाता है पंजाब, एक दिन दो दिन ठहर के चला जाते, वो सऊदी अरब रवाना हो गई और ये पंजाब रवाना हो गए, बड़ी बात है। तो आप लोग हमें बताएं कि हमारा गुनाह क्या है, ये ऐसे हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, क्या तकलीफ़ क्या है इन लोगों को जो हमें बार बार इतना परेशान कर रहे हैं। तो दो दिन इनसे सब्र नहीं हो सकता था, उनको वहाँ पे रवाना किया और आप इधर पंजाब चले गए। बड़े आप उन लोगों की सपोर्ट करते हो, उन लोगों को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अब देख लो उनको सच्चा मानते हो। देखो अब हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, आप लोग कुछ नहीं देख रहे। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, आप बर्दाश्त से कम, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा, और अब आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप खुद ही देखेंगे और सुनेंगे। पूरी दुनिया के सामने हमें जलील ख्वार करके बदनाम कर दिया, इनका मतलब क्या था शादी करने का, ये भी अब मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे साथ हो रहा है, अगर वो आपके साथ होता तो आप क्या करते। इनकी खातिर मैंने अपनी कितनी बेइज्जती करवाई, मैंने इनका कहना माना, मैंने पता नहीं क्या कुछ इनकी खातिर किया। मैं तो तंग हो गया हूँ और परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत ही इन लोगों से बहुत ही परेशान हूँ। अब ये साजिद भाई हैं, मैंने इनको इतनी मरतबा कॉल किए, ये मेरी कॉल नहीं उठाता है, पता नहीं क्या ये लोग समझते हैं अपने आप को। हमारे दिल में तो इनके कोई नफ़रत नहीं थी, लेकिन ये लोग खुद ब खुद हमारे दिल में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। बड़े आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अभी मैं इन बताऊंगा आपको जो सब कुछ है। बस आप लोग मुझे इतना बताएं कि जो हमारे साथ हो रहा है, अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते। बस हमारी बर्दाश्त है और हम चुप करके बैठे हुए थे, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा।